बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी 6 बजे हैं और धूप देख लें कितनी तेज निकल आई हुई है। खैर जी, अभी खेत में जाने लगा हूँ। एक तो वो बड़े खेत में 1 एकड़ में पानी डालना है उसके लिए, दूसरा उस पे बंद बांधना है इसलिए, और तीसरा धूप निकली है ये चेक करने के लिए कि इस धूप में भी मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ये जाके खेत में पता चलेगा। तो अभी खेत पहुँचते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी पूरे 8 बजे या 7:30 बजे 7 बजे दोबारा से ट्राई करेंगे और देखेंगे मोटर चलती है कि नहीं। हमारी कई किधर गई? ये रही हमारी कई, माशाल्लाह जी। ये है हमारा 1 एकड़। सबसे मुश्किल होता है पहला पानी, क्योंकि ज़मीन पहला पानी ज़्यादा पीती है इसलिए वो मुश्किल होता है। फिर जब ज़मीन में पानी पी लिया, कद हो गया, फिर ऊपर से टायर वगैरह ट्रैक्टर और उसका सुहागा चलता है, तो ज़मीन के जो मसाम है ना वो भी बंद हो जाते हैं, वो नीचे से पानी पीना कम कर देती है। फिर पानी भरना कोई मुश्किल नहीं है। ये जी सुंडी पता नहीं कहाँ से मेरे ऊपर चढ़ाई है। तभी ये जो बन्ना है ना, ये जो लाइन है इसको पक्का करना है। अभी 6:50 हुए हैं, दोबारा से मोटर चेक करते हैं चला के। इसमें नहीं जी अभी नहीं। इतना हमने छोड़ दिया क्योंकि ये जो है ना बहुत बुलंद है बाकी खेत की निस्बत। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नीचे वाला जो बंद है वो हमने बांध दिया है। अब इसको पक्का करने वाला रह गया। ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऊपर पाँव लग जाएगा ना तो मिट्टी पक्की हो जाएगी, फिर छोटी मोटी बारिश से बहेगी नहीं और नीचे भी नहीं गिरेगी। ऐसे तो वक्त के साथ साथ नीचे भी गिर सकती है ना। इस तरह से इसको हल्का हल्का सा टैब करेंगे और मजबूत कर लेंगे। गर्मी से भी बुरी हालत हो गई है। पीछे सूरज देखें कितना गर्म है और कितने ज़ोर से चमक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बनना तो हो गया, कन्फर्म भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, बन भी गया, ऊँचा भी हो गया। खैर अभी ये जो खेत है ना इसमें हमने बटे डालनी है, बंद डालने हैं। हमारा एकड़ जो है वो मुरब्बे की शेप में है, इसमें ये प्लस का निशान लगा देंगे तो इसके 4 खाने बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में भाई अफजल हैं। तो भाई अफजल जो हैं ये सिंगल सिंगल लाइन बनाएंगे, मैं इसको डबल करता जाऊँगा। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और मदानी फूल बनाते हैं। वो फूल तो अभी नहीं बनेगा लेकिन उसका कुछ हिस्सा बना देंगे, एंगल की शेप अभी बना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वट भी पड़ गई है, ये दरमियान तक। आगे हम सीधे नहीं जाएंगे, आगे से इस तरफ जाएंगे तो ये एंगल बन जाएगा और फिर बाद में वहाँ से लेकर यहाँ और फिर सीधे वो एंगल बन जाएगा और हमारा प्लस का निशान बन जाएगा। टाइम हो रहा है 7:15 का। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो कम कम आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ये पानी जो है फुल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, ये पानी जी 7:30 बज रहे हैं और ये पानी आ रहा है। अभी जाके बकाया जो काम रहता है वो ख़त्म करते हैं, तब तक इंशाल्लाह पानी भी पूरा हो चुका होगा इंशाल्लाह। कई के ऊपर ना ये जड़ें जो है ना ये आगे इसके सिरे के आगे लग जाती हैं, फिर मिट्टी उठाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मिट्टी अभी गीली है, कई को लग के इसको भारी भी कर देती है। ये देखा, ये चीज़ें जो है ना ये कर देती हैं आगे से मुँह बंद और ऊपर नीचे मिट्टी लग जाती है, ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं उठाई जाती, ये मिट्टी लग के और भारी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये वट भी मुकम्मल हो गई। बहुत मुश्किल काम है।
बहुत मुश्किल। भाई अफजल साथ में है तो हो गया, अदरवाइज शायद आज सारा दिन लग जाता इतना काम करने में। तो पहले इस खेत में फिर से थोड़ा कम हो गया पानी, इसको पूरा कर लेंगे और फिर हम ये जो हमने खाना बनाया है ना इसमें पानी डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये जी पानी आ रहा है और टाइम हो रहा है पूरे 8 का, और अब पानी पाइप तकरीबन भर के आ रहा है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी भर जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी भर जाता है। अभी जी ऊपर बादल आ गए हैं, वो सामने सूरज के आगे बादल हैं और हमारी मोटर यही चल रही है। हर तरफ छांव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस खेत में पानी हो चुका है, ये बुलंद जगह थी तो इस पे भी पानी पहुंच गया, लगता नहीं था पहुंचेगा। खैर जी अभी जिस खेत की हमने तैयारी की है ना उस खेत में पानी जो है वो निकालते हैं। अभी ये खेत में पानी जाना शुरू हो गया माशाल्लाह। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने कहा था कि जब बादल होंगे ना तब भी आपकी मोटर चलेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं धूप कहीं पे भी नहीं है और मोटर जो है वो चल रही है माशाल्लाह। पास से दिखाता हूँ मैं इतना पानी आ रहा है, ये देखिए तकरीबन पाइप जो है वो भर के पानी आ रहा है, उतना प्रेशर नहीं है जितना कल था धूप में, लेकिन माशाल्लाह पानी बहुत आ रहा है। तो अभी पानी पीते हैं और फिर घर चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह धूप भी निकल गई है और हमने नाश्ता भी कर लिया, रेस्ट भी कर ली। अभी ये चप्पल भी कितनी गर्म हो गई है, अभी वापस जाते हैं खेतों की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी हमने स्टार्ट किया था काफ़ी दूर तक पहुँच गया, इंशाल्लाह आज तो पानी पूरा हो जाएगा। यही डर था कि शायद आज पानी पूरा ना हो, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि पानी पूरा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी ज़बरदस्त हो गया, अब मज़ा आएगा। अभी खाने का जैन भाई को मैंने कहा है वो ले आते हैं। यहाँ पे हमारा पता नहीं फूल जो है वो भी पड़ गया, एक ये एक ये एक ये और एक ये चौक। अभी यहाँ से ड्रोन उड़ाता हूँ और आपको पता नहीं फूल स्टाइल जो है वो भी दिखाता हूँ। और ये भी आप ज़रूर देखिएगा कि कितने ही खेत हैं फारग पड़े हुए हैं, लोगों ने धान की फसल इस दफ़ा काश्त नहीं की और इसका असर एक फ़र्द पे नहीं पूरी कौम पर पड़ सकता है, क्योंकि जितनी फसल कम काश्त होगी उतनी किल्लत ज़्यादा होगी। गांव में भी अगर ये मसला हुआ पहले तो होता था, हर घर में ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं लेकिन हर कोई अपने लिए जो है वो उगा लेता है और अपने घर के लिए खाने के लिए हो जाता है। अगर वही घर ख़रीदने लग गए तो फिर मसला हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट से तो ये फूल, और आप खेत भी देखिएगा कि कितने लोगों ने अभी धान की फसल लगाई है। अल्लाह करे बारिशें आगे से फिर शुरू हों फिर मज़ीद लोग लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे खेत अभी खुश्क पड़े हुए हैं जिनमें धान की फसल लग चुकी है लेकिन पानी अभी नहीं है, बिजली नहीं है, तेल महंगा है, लोग दोबारा उसमें पानी नहीं लगा पा रहे। हाँ जी पानी का सुनाओ, तो उसी पानी का पानी कैसा है? एकदम ठंडा ही लग गया है, इसको छोड़ें ये पानी की बताएं। इस जबरदस्त अगर तेज धूप होना तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ अभी हल्की हल्की धूप है फिर भी कैसा है? फिर भी तो अच्छा है, बिजली से इतना नहीं आता पानी, बिजली है ही नहीं। हाँ बिजली है। अभी खाना लेके आए हैं आपके लिए। थैंक यू बहुत, रेस्टोरेंट से। थैंक यू। इसे बहाने भी खा लूंगा, अभी खाते हैं और मजे करते हैं।
ਹਮ ਤਾਂ ਆਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਦਰ ਕੋਤਲੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ये तो शुरू हो गया। नीचे से अभी हम भी नहाते हैं, ये मौज मस्ती करते रहेंगे, साथ में हम इंजॉय करते हैं। साफ सुथरे पत्ते उठे ने बस कर रहे हैं रेत सारे लड़के जो है वो नहा के चले गए हैं, अब मैं अकेला फिर से यहाँ पे रह गया हूँ। पानी काफ़ी हद तक हो गया है, मैं आपको चेक करवाता हूँ कितना हो गया है और कितना रहता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए, ये अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए जी, पानी हो गया तकरीबन, बस ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया, बाकी ये देख लें शादा आबाद है। अभी मैं गाड़ी वाले को कहने जा रहा हूँ कि वो आ जाए, जब तक वो आता है तब तक ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा। पूरे 5 बज चुके हैं और ये पानी आ रहा है, 15-20 मिनट तक इससे भी डाउन होने वाला है। जी, ट्रैक्टर पहुंच गया, 2 डॉग फ्री में आ गए हैं। बहरहाल जी, हमारा पानी वो मोटर का बिल्कुल ख़त्म हो गया, 5:15 बजे हैं और ट्रैक्टर आ ही आया यहाँ पे, ये देखें खेत के पास ही खड़ा हुआ है। तो अभी ड्राइवर भाई ने कहा है कि इसका जो है वो बैरंग वो टूट गया, ये पानी रह गया बस, इतना पानी रह गया बस। पता ही है, ये जैक लग गया टायर को, इसका टूटा है जी बैरंग यहां से। बस एक ही नट खोला और ये जी खुल गया, ओए होए होए होए। ये बैरंग टूटा हुआ इन्नो के चौंद है, मैं आपको वापसी कार का नहीं मुजफ्फरवाल जा की 2000 रुपया ऐसे एक एनएच से ले रहा अब 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 दा अब दा ते गारंटी दीती दी उन्होंने साल दी ते कल पाए परसों पाई थी मैं टायर टूट गया। वो काम चलेगा नहीं, काम तो चलेगा वो खड़ा है, काम तो देना चाहिए तो दो लिया गया है अब आने कार दो पई है ना सामने आके कार ये जिसका बैरंग अब बैरंग के ऊपर ग्रीस लगाई जा रही है। छोटा रहा जरा कौन आए छोटा रहा बंबी से पेदा यार गड्डी च होता पेदा मान लगा घरों रहा जी लिया गया बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी टायर फिट हो गया और हमारी मोटर का पानी भी ख़त्म हो गया। अभी मोटर भी बंद कराते हैं, ऐसा पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खेत में सिर्फ और सिर्फ हल चली है, बाकी सुहागा जो है वो ऊपर नहीं फेरा, क्योंकि पानी जो है वो बैरंग के चक्रों में, पहले मैं बुलाने गया था तो फिर वो लेट आए और उसके बाद बैरंग का मसला बन गया और उस वजह से मट्टी ने पानी जो है वो भी पी लिया, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं था, कि पी भी लेती तो खैर हो जाती। हल जो है वो चला दिया बेहतरीन करके, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह बस ऊपर से सुहागा जो है वो चलाएँगे और हमारा खेत रेडी, सुबह पानी देंगे इंशाल्लाह खेत को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खेत जो है ये दो कनाल का जो हमने क्यारा बनाया ये सुबह एकदम रेडी हो जाएगा। कल सारा दिन हम इसको भरेंगे पानी के साथ और परसों इंशाल्लाह वो दूसरे खाने में भी आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो डालेंगे और ऐसे करते करते इंशाल्लाह पूरे एकड़ के चारों खाने जो हैं वो हम फिल कर देंगे इंशाल्लाह। बस जी अभी घर चलते हैं, जाके आराम करते हैं, सारा दिन आज खेतों में ही मैं रहा हूँ। तो आज की वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।